आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इट एक्ट्स व्हेन बॉडी हैज टेंडेंसी टू स्लाइड। जब कोई बॉडी के अंदर स्लाइड करने की टेंडेंसी होती है तभी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। ठीक है, टेंडेंसी टू स्लाइड आर रिलेटिव मोशन और टू परफॉर्म जब बॉडी के अंदर व्हेन बॉडी हैज टेंडेंसी टू स्लाइड और परफॉर्म रिलेटिव मोशन। तो जब कभी कोई दो बॉडी स्लाइड करना चाहती हैं या रिलेटिव मोशन करना चाहती हैं तो उन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। और जब तक बॉडी स्लाइड नहीं कर पाती तब तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता रहता है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। तो देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा, जब वहाँ पर टेंडेंसी होगी स्लाइड करने की, यानी कि ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना चाहता है लेकिन जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्लाइड करने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो टेंडेंसी होना ज़रूरी है। अब आप इस ब्लॉक पर देखो क्या हो रहा होगा कि इस ब्लॉक का अगर आप एबीडी बनाते हैं तो इस ब्लॉक में नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रहा है और जो एमजी है ये डाउनवर्ड लग रहा है। बट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन हॉरिजेंटल डायरेक्शन पर कोई भी ऐसा फोर्स आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ब्लॉक अभी रेस्ट पर है और रेस्ट पर है ब्लॉक तो रिलेटिव मोशन हो नहीं रही है। बट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, कोई फोर्स एक्ट कर नहीं रहा है एंड नो टेंडेंसी टू स्लाइड और स्लाइड करने कोई टेंडेंसी भी नहीं है। तो जब स्लाइड करने की टेंडेंसी नहीं है और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पर जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, हेंस स्टैटिक फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट। जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो। तो अगर कभी कोई ब्लॉक जो है उस पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये फोर्स ही आपने जीरो कर दिया तो ये फोर्स जीरो होने का मतलब ये हो गया कि इस फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रिलेटिव मोशन होना ही नहीं चाहती। और जब रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों एक्ट करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ज़बरदस्ती फ्रिक्शन ऐड करके इसको इधर मूव कराने लगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स तब तक एक्ट नहीं करता जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट रिलेटिव मोशन नहीं कराना चाह रहा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।